हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। एक बार फिर रमन इंस्टीट्यूट से मैं दविंदर थोड़ा स्वागत करती हूँ। सो वीडियो शुरू करने तो पहला रिक्वेस्ट है कि जेडे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल नू सब्सक्राइब कर लैन अते नाल ही बेल आइकन ते क्लिक कर लैन ताँ जो तुहानू डेली आने वाली वीडियो सब तो पहला मिलती रहे। तो इस चैनल उत्ते मास्टर केडर, एनटीटी, पटवारी, PSPCL, पंजाब पुलिस, सुपरवाइजर अते पीटेट एग्जाम नाल संबंधित वीडियोस अपलोड कीतियां जांदियां ने। तो तुसी प्लेलिस्ट विच जाके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो उम्मीद करती हाँ कि इस चैनल पर पाए गए वीडियोज़ तुहाडे लई हैल्पफुल रहिंदियां होणगियां ते काफ़ी कुछ सीखण नूं भी मिलता होगा। सो वीडियोज़ नूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिया करो ता जो बाकी दे फ्रेंड्स तक भी वीडियोज़ पहुँचदियां रहन। सो चलते हैं साडे अज दे सैशन वल। दोस्तों कल की क्लास के आपने जेंडर किया ट्री। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट आए थे कि ट्री एक लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, इस करके ये दोबारा लिया गया सेंटेंस कि इसमें आप पहला क्लीयर करते हैं फिर आप अपनी अज की क्लास में चलते हैं। दोस्तों जेकर आप साइंस सबजैक्ट की गल करिए तां उस दे विच ट्री नू एक लिविंग थिंग ही मनिया जांदा क्योंकि वह मनुख की तरह ही किरिया करता, इस करके उन्हों एक लिविंग थिंग मनिया जांदा। बट द जेंडर ऑफ ए ट्री इज़ डिफेंडेबल। अ ट्री सर्टनली कैन बी कॉल्ड मेल और फीमेल बट नॉट इन एवरी केस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्री है जेड़ा उन्हों डिफाइन करना ईजी नहीं हैगा। ठीक है, बट असी कर रहे हैं काइंड ऑफ जेंडर, उस दे विच हर एक एक चीज़ नू सानू उदी कैटागरी दे अकॉर्डिंग रखना पैंदा। इस करके इन इंग्लिश ग्रामर दे विच जिहड़ा ट्री वर्ड आ उन्हों नॉन लिविंग थिंग दे विच ही रखा गया क्योंकि पहचान करनी हुंदी आ किसी भी जेंडर की कि वह मेल आ जां फीमेल आ। जेकर असी पहचान नहीं कर पा रहे हुण ट्री आ, ट्री एक न्यूट्रल जेंडर आ बिकॉज वी डज नॉट रिकोनाइज अ मेल और फीमेल, क्योंकि असं एक दरख्त की पहचान नहीं कर पा रहे कि यह मेल दरख्त आ जां फीमेल दरख्त आ। इस करके ट्री इज विच काइंड ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फैमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो यह राइट आंसर की आ न्यूट्रल जेंडर के आता, यदि मतलब पहचान की आ कि यह एक नॉन लिविंग थिंग आ इन इंग्लिश ग्रामर दे विच। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग नहीं आपां गल कर रहे, आपां कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर दे विच जेकर आपां जेंडर की गल करांगे कि दरख्त का जेंडर की आ तां उस दे विच इहनूं नॉन लिविंग थिंग मन के ही इहदी पहचान होएगी। ठीक है, क्लीयर हो गया हुण सारिआं नूं इस बारे। तो चलदे हां आपां अपने अज दी क्लास वाले। साडा अज का फस्ट क्वेश्चन आ, विडूर इज अ डैश जेंडर नाउन। फस्ट ऑप्शन फेमिनाइन जेंडर, सैकेंड ऑप्शन मैस्कुलाइन जेंडर, थर्ड ऑप्शन कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूटर जेंडर। विडोवर केड़ा जेंडर आ भी, किस विच आउंदा? विडोर दा हुंदा मतलब रंडा, तां ए आंदा है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, औरत विडो हुंदी आ, ठीक है, उहदे लई फेमिनाइन जेंडर यूज होएगा। अगर एक पुरख विडोवर हुंदा तां उहदे लई विडोवर वर्ड यूज हुंदा ते उह मैस्कुलाइन जेंडर दे विच आवेगा। नैक्सट वन इज फाइंड आउट द कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन, फर्स्ट ऑप्शन शेफ, सेकंड ऑप्शन प्लम्बर, थर्ड ऑप्शन ए प्लस बी बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इहदा राइट आंसर की आ कॉमन जेंडर केड़ा इन्हां विचों? ए प्लस बी बोथ कॉमन जेंडर ने। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द न्यूट्रल जेंडर नाउन।
फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रीट, सेकंड ऑप्शन मास्टर, थर्ड ऑप्शन ऑक्स एंड फोर्थ ऑप्शन मैडम। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਜੈਂਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਜੈਂਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੀਟ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜੈਂਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਚੂਜ਼ ਫੈਮਿਨਾਈਨ ਜੈਂਡਰ ਨਾਊਨ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ, सेकेंड ऑप्शन स्टार, थर्ड ऑप्शन समर एंड फोर्थ ऑप्शन मून। हुण दोस्तों इस दे विच सन, स्टार, मून तीनों सेम ने, बट तिना दे जिहड़े जेंडर ने उन्हां दे अलग अलग ने। चलो देखते हैं फैमिनाइन जेंडर दे विच की आउंदा। तां इहदे विच आउंदा मून। हुण आपां ने मून नूं क्यों फैमिनाइन जेंडर दे विच लिया, क्योंकि मून अपनी ब्यूटी दे लई, अपने ग्रेस दे लई फेमस आ। इसलिए जो भी थिंग्स ब्यूटी नाल रिलेटेड जां ग्रेस लई इहदे विच आणगीआं, वो फैमिनाइन जेंडर दे विच आणगीआं। ठीक है, इसलिए मून फैमिनाइन जेंडर दे विच आ। नैक्सट फाइव नंबर, चूज मैस्कुलाइन जेंडर नाउ। फर्स्ट ऑप्शन स्प्रिंग, सेकंड ऑप्शन लिबर्टी, थर्ड ऑप्शन समर एंड फोर्थ ऑप्शन शीगॉट। हुन मैस्कुलाइन जेंडर समर। दोस्तों जो भी जिदा स्ट्रेंथ लई जो वॉयलेंस लई नाउंस प्रगट करते ने, ठीक है, वह जिहड़े जो उन्होंने जेंडर चेंज करते हैं तो वह मस्कुलाइन जेंडर दे विच आउंदियां ने। जिदा समर, समर एक शक्ति का प्रतीक है, ठीक है, इसलिए मस्कुलाइन जेंडर दे विच आया है। सिक्स नंबर, पीयर इज ए डैश जेंडर नाउन। पीयर का मीनिंग हुंदा कुलीन पुरुष। फर्स्ट ऑप्शन कॉमन जेंडर, सेकंड ऑप्शन न्यूट्रल जेंडर, थर्ड ऑप्शन मस्कुलाइन जेंडर एंड फोर्थ ऑप्शन फेमिनाइन जेंडर। तो इसका राइट आंसर है मस्कुलाइन जेंडर। सेवन नंबर, फाइंड आउट द कॉमन जेंडर नाउन। फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन बैचलर, थर्ड ऑप्शन मेट एंड फोर्थ ऑप्शन मेल। कॉमन आ गया फ्रेंड। एट नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द न्यूट्रल जेंडर नाउन। फर्स्ट ऑप्शन स्कूल, सेकेंड ऑप्शन ट्री, थर्ड ऑप्शन बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ए प्लस बी बोथ, स्कूल एंड ट्री, न्यूट्रल जेंडर। नाइन नंबर, चूज फेमिनाइन जेंडर नाउन। फर्स्ट ऑप्शन बॉय, सेकंड ऑप्शन टाइम, थर्ड ऑप्शन डेथ एंड फोर्थ ऑप्शन अर्थ। तो इहदे विच अर्थ फेमिनाइन जेंडर। टेंथ नंबर, चूज मस्कुलाइन जेंडर नाउन। फर्स्ट ऑप्शन सन, सेकंड ऑप्शन स्टार, थर्ड ऑप्शन मून एंड फोर्थ ऑप्शन मर्सी। तो देखो दोस्तों ये भी आ गया, मून नू अपने फेमिनाइन जेंडर दे विच रखिया सी उहदी ब्यूटी दे लई, ते हुण सन आ जिहड़ा उह मस्कुलाइन जेंडर दे विच आ गया। क्यों? क्योंकि सूरज आ जिहड़ा उह एक शक्ति का प्रतीक मन्निया जांदा इंग्लिश ग्रैमर दे विच, जो आप जेंडर चेंज करते हैं उस दे विच, इस करके मैस्कुलाइन जेंडर विच आएगा। नैक्सट, अबॉट इज अ डैश जेंडर नाउन। अबॉट, फर्स्ट ऑप्शन फेमिनाइन जेंडर,
सेकेंड ऑप्शन मैस्कुलाइन जेंडर, थर्ड ऑप्शन कॉमन जेंडर, फोर्थ ऑप्शन न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों अबॉर्ड का जेकर आप मीनिंग देखिए तो वैसे तो मकान होंदा, बट अगर आप जेंडर दे अकॉर्डिंग इहदा मीनिंग देखते हाँ तो इहदा मीनिंग होंदा मठ अधिकारी, जो मठ का अधिकारी होंदा मेन हैड होंदा उसनू कहते हैं अबॉर्ड। जो कैथोलिक धर्म दे विच नन्स होंदियां सीगियां उन्हां दा हैड होंदा सीगा उहनू कहा जांदा सीगा, जो पुरश होंदा सीगा। इस करके आ गया मैस्कुलाइन जेंडर दे विच। 12 नंबर, फाइंड आउट द कॉमन जेंडर नाउ, फर्स्ट नन, सेकंड वुमेन, थर्ड ऑप्शन लेडी एंड फोर्थ चाइल्ड। तो राइट आंसर है चाइल्ड। 13 क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट द न्यूट्रल जेंडर नाउ, फर्स्ट ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन स्टेज, थर्ड ऑप्शन आर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन स्टार। तो इस दे विच न्यूट्रल जेंडर दे विच की आएगा स्टार। हुण आपां ने स्टार नूं न्यूट्रल जेंडर दे विच क्यों लिया, फेमिनाइन जेंडर दे विच जां मैस्कुलाइन जेंडर विच क्यों नहीं लिया? इहदा रीज़न यह है कि दोस्तों स्टार्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, कलैक्शन होगी, तो जो भी चीज़ा कलैक्शन विच आउणगियां उह हमेशा न्यूट्रल जेंडर ही मनिया जाणगियां, ठीक है। 14 नंबर, चूज फेमिनाइन जेंडर नाउन, फर्स्ट ऑप्शन नेचर, सेकंड ऑप्शन पीस, थर्ड ऑप्शन ए बी बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है बोथ, ए बी बोथ। चूज मैस्कुलाइन जेंडर नाउन, फर्स्ट ऑप्शन थंडर, सेकंड ऑप्शन पीस, थर्ड ऑप्शन सो एंड फोर्थ ऑप्शन वाइफ। तो मैस्कुलाइन जेंडर विच आ गया थंडर, क्योंकि यह शक्ति का प्रतीक है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन, काओ काफ इज व्हाट काइंड ऑफ जेंडर नाउन, फर्स्ट ऑप्शन कॉमन जेंडर, सेकंड ऑप्शन न्यूट्रल जेंडर, थर्ड ऑप्शन फेमिनाइन जेंडर एंड फोर्थ ऑप्शन मैस्कुलाइन जेंडर। तो इसका राइट आंसर है फेमिनाइन जेंडर। 17 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट अ कॉमन जेंडर नाउन, फर्स्ट ऑप्शन फादर, सेकंड ऑप्शन मदर, थर्ड ऑप्शन ग्रैंडफादर एंड फोर्थ ऑप्शन पेरेंट। तो कॉमन विच किया गया पेरेंट। 18 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द न्यूट्रल जेंडर नाउन, फर्स्ट ऑप्शन अंकल, सेकंड ऑप्शन किंग, थर्ड ऑप्शन हाउस एंड फोर्थ ऑप्शन गर्ल। तो इस विच आ गया हाउस। 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 19 नंबर, चूज फेमिनाइन जेंडर नाउन, फर्स्ट ऑप्शन नन, सेकंड ऑप्शन मिस्ट्रेस, थर्ड ऑप्शन सुल्ताना एंड फोर्थ ऑप्शन अबव ऑल। तो राइट आंसर अबव ऑल फेमिनाइन जेंडर। 20 नंबर क्वेश्चन, चूज मैस्कुलाइन जेंडर नाउन, फर्स्ट ऑप्शन विंड, सेकंड ऑप्शन स्कूल, थर्ड ऑप्शन प्लम्बर एंड फोर्थ ऑप्शन विच। तो मैस्कुलाइन जेंडर दे विच रखिया विंड, क्योंकि यह एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है। सो दोस्तों ऐसी साड़ी अज की क्लास, इस दे विच कुछ क वर्ड इदा दे ने जो कि सानू रिमैंबर होने चाहिए ने, जिदा सन, समर, विंड, डैथ, थंडर, टाइम। ये सारे स्ट्रेंथ के लिए मैस्कुलाइन जेंडर के आते हैं। तो जो चीज़ा ब्यूटी या ग्रेस नू प्रगट कर दिया ने, जिदा मून, अर्थ, पीस, नेचर, वह कहदे विच आउंदे ने फेमिनाइन जेंडर विच आउंदियां ने। तो जो चीज़ा कलैक्टिव हुंदियां ने वह हमेशा न्यूट्रल जेंडर विच मनिया जाणगियां, ठीक है। ये साड़ी अज की क्लास, अज का सैशन, उम्मीद है कि सारे लिए हैल्पफुल रहा होगा। सो वट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
वीडियोज़ नूं लाइक करना, शेयर करना ते अपने सुझाव देना ना भूलियो। थैंक यू सो मच।